दोस्तों अगर आप भी ऐप में बेनिफिशियरी आईडी ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे एम पिन डाल लेना है। तो जो आपका एम पिन हो डाल लीजिए। एम पिन डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप एम पिन डाल लेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद योनो पे पर क्लिक करना है। योनो पे पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया जैसे ही आपने तो यहाँ पे जो है पे अ न्यू बेनिफिशियरी आईडी आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है। अगर आप बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस सबमिट के ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन सा बैंक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि किस बैंक में है। तो आप अदर बैंक पे क्लिक करेंगे। अदर बैंक क्योंकि है मेरा PNB, तो अदर बैंक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अदर बैंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, तो अकाउंट होल्डर का नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का जो है नाम आप लिख लेंगे, तो जिसका भी अकाउंट होल्डर नेम है वो अकाउंट होल्डर नेम लिख लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर उसका लिख लेंगे। फिर उसके बाद री अकाउंट नंबर, IFC कोड और मैक्सिमम लिमिट आपको सेलेक्ट कर लेनी कि कितनी लिमिट भेजना चाहते हैं। निक नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है निक नेम जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे लिमिट वगैरह सब कुछ सेट कर लेना है आपको देख के। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा, तो आपको क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे ₹1 आपको ट्रांसफ़र करना है, तो ₹1 पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को बेनिफिशियरी आईडी ऐड करने के लिए बता रहा हूँ। सेलेक्ट पर्पज़ पे क्लिक करेंगे तो किस लिए आप ये पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र टू फैमिली आर फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। पे पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को इस तरीके से चार्ज जो है दिखाएगा ट्रांसफ़र करने का। ओके पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इंटर मैनुअली जो है पासवर्ड यहाँ पर इंटर मतलब OTP कर देना है। तो यहाँ पर 4586 ये OTP कर दिए, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, आप सभी का बेनिफिशियरी आईडी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया। ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर जैसे क्लिक कर देंगे आपके बेनिफिशियरी आईडी ऐड हो गई। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3 बेनिफिशियरी आईडी मैंने ऐड की हुई है, तो तीनों यहाँ पे ऐड हो गई। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ बेनिफिशियरी आईडी को ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज मैं रेगुलर लेके आता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।